अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले बार जो गेहूँ धो के सुखाई थी उसमें थोड़ा थोड़ा सरसों है, तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि उसको चाल के मैं निकाल दूँ तो सरसों निकल जाएगा, तब मैं गेहूँ को पिसवाऊँगी। तो दोस्तों, जो बोरा में गेहूं है उसको मैं एक ठो टब में कर लेती हूं, क्योंकि मैं सुखाई थी गेहूं को, और फिर जो मैं चाल के रखूंगी वाला गेहूं को मैं बोरा में रखूंगी तो मेरे को पिसवाने के लिए बन जाएगा। बोरा सहित ले जाएंगे पिसाने के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा सरसों तो नहीं है गेहूँ में, थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन मैं उसको अच्छे से चाल के निकाल लेती हूँ तो मेरा आटा अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, लोहा वाला चलनी बीच में थोड़ा फट गया था, तो ये देखिए चलते टाइम थोड़ा गेहूं ज़्यादा गिर रहा था, तो इधर मैं आलिया से दूसरा चलनी मंगाई। तो ये देखिए दोस्तों, आलिया दूसरा वाला चलनी लेके आ गई है, अब मैं उसी में चाल लूँगी, अच्छे से मेरा सरसों निकल जाएगा फिर। तो दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके सारा गेहूं को चाल चुकी हूं। अब चलिए दोस्तों, गेहूं को अच्छे से रख देते हैं, उसका मुंह को भी बांध देंगे बोरा का, फिर पिसाने के लिए ले जाएंगे। और जो जो गेहूं का कचरा वगैरह हो गया है उसको मैं झाड़ू लगा के अच्छे से यहां का साफ सफाई कर लेती हूं। फिर मैं दाल को भी आज भूंज लूँगी। तो दोस्तों, पिछले बार जो मैं दाल भूंज के दर्री थी वो आज ख़त्म हो गया है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि दाल को मैं भूंज के फिर आज दरर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले आग जला लेते हैं, फिर कढ़ाई को गर्म होने के लिए मैं चढ़ा दूंगी। और तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले बार 8 किलो दाल लिए थे, तो आधा को मैं भूंज के दर्री थी और थोड़ा बहुत बच गया है, तो उसको मैं आधा को ही भूंज लूँगी। अभी पूरा तो नहीं सकाएगा दररने के लिए, तो चलिए दोस्तों, जितना मेरे को ज़रूरत है उतना को ही मैं भूंज लूँगी, फिर उसको सुखा दूँगी भूंजने के बाद। तो देखिए दोस्तों, मेरा सारा दाल अच्छे से भुंजा चुका है, और चलिए सुपा में आधा आधा करके इसको धूप में सुखा देते हैं, और दाल को सुखा देने से अच्छे से दररने टाइम उसका छिलका भी छोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सुखाने के लिए। तो दोस्तों, मैं दाल को सुखा चुकी हूँ, और सुबह का जो हम लोग का नाश्ता वाला बर्तन है, तो चलिए दोस्तों, अब नाश्ता वाला बर्तन को भी अब धो लेते हैं। फिर आज बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है, शादी में जो गए थे उसको भी धोना है, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले बर्तन को धो देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बर्तन धो चुकी हूँ, और आज बहुत ही सारा कपड़ा है, शादी में गए थे पहन के वो है, और आज बहुत ही ज़्यादा लाइट कट रहा है, तो अभी लाइट आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले अब मैं कपड़ा को ही धो लूँ, फिर मैं बाद में बाकी का काम करूँगी। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं सरफ मिला के अच्छे से घोल लेती हूँ, फिर नया वाला कपड़ा को आगे फुला दूँगी, फिर बाकी का पुराना वाला कपड़ा को बाद में बोथ लूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब सारा कपड़ा को बोथ लेते हैं सरफ में। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सारा कपड़ा अच्छे से धोआ चुका है, अब चलिए दोस्तों, अब इसको धूप में भी सुखा देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, मैं कपड़ा सुखा चुकी हूँ, और जो मैं दाल को सूखने के लिए छोड़ दी थी, तो चलिए दोस्तों, दाल भी मेरा सूख गया है, अब मैं इसको दरर लेती हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, हम लोग गांव में
दाल को इसी तरीके से चक्की में दरार लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग के घर में ही चक्की है और थोड़ा थोड़ा मैं दाल डाल के उसको अच्छे से दरार लेती हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से चक्की में भी दाल दर्रा जाता है। देखिए अलग अलग हो गया है कितना अच्छे से। तो देखिए दोस्तों मेरा सारा दाल अच्छे से दर्रा चुका है और मैं जाँता में जो दाल डाली थी उसको भी अच्छे से घुमा ली हूँ। अब चलिए दोस्तों सारा दाल को अच्छे से उठा लेते हैं, फिर उसका भूसा को भी फटिक के निकाल देंगे, फिर मेरा दाल भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा दाल भी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है और सारा छिलका भी अच्छे से छोड़ दिया है। देखिए कितना अच्छा मेरा दाल भी दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसको डब्बा में रख देते हैं। तो दोस्तों 10-15 दिन तक तो हम लोग का दाल चल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब दाल को भी अंदर रख देते हैं और सूपा वगैरह को भी अंदर रख देंगे। तो देखिए दोस्तों अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग का बाहर का किचन का थोड़ा सा लिपाई भी कर दूँ, क्योंकि लिपाई भी उखड़ गया है, 8 दिन हो गया है और पानी वगैरह बच्चे लोग भी गिरा देते हैं तो बहुत ही जल्दी मिट्टी का घर उखड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब छुही मिट्टी से किनारा बना लेते हैं, फिर बीच में काला मिट्टी का लिपाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों आधा लिपाई हो ही चुका है और आज सुबह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा काम था। तो देखिए दोस्तों अब मैं लिपाई कर चुकी हूँ और लिपाई करने के बाद मैं सबसे पहले नहा लूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो दोस्तों आज बहुत सारा काम था और सुबह से काम करते करते मैं थक गई और 4 बजे मैं नहाई हूँ। तो दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ आम का रस। तो चलिए दोस्तों अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब आम का रस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आम को काट लेती हूँ। तो दोस्तों मैं आम को छोटा छोटा काट लेती हूँ, उसका गुदा को फिर आम का रस बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं अच्छी तरीके से काट चुकी हूँ और छिलका वगैरह को मैं साइड में रख दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों मेरा सारा आम अच्छे से कटा चुका है और मैं एक जार में डाल देती हूँ। जार में डालने के बाद इसमें दूध भी डाल देंगे। तो दोस्तों मैं दूध को डाल चुकी हूँ और 1 कप में चीनी भी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं कस्टर्ड पाउडर मैंगो वाला डाल दूंगी, तो उसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब सारा चीज़ मैं डाल चुकी हूँ, अब इसको मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। तो दोस्तों आम अच्छे से पिसा चुका है और सारा कुछ मिक्स हो चुका है। तो देखिए दोस्तों मेरा आम का रस अच्छे से बन के रेडी हो चुका है और यहाँ मैं 2 मिट्टी का मटका रखी हूँ और इसमें मैं 1 मटके में आम का रस को डाल दूंगी और 1 मटके में मैं बर्फ को डाल दूंगी। तो दोस्तों आम का रस अच्छे से मिक्स हो चुका है और इधर बच्चे भी बड़े उतावले हो रहे हैं पीने के लिए। तो दोस्तों आप भी घर में ट्राई कीजिएगा और गर्मी के दिनों में बड़ा अच्छा लगता है ऐसे आम का रस घर में बना के पीने से। तो दोस्तों मैं सबके लिए अब गिलास में डाल देती हूँ आम का रस, फिर मैं सबको दे दूंगी पीने के लिए। दोस्तों हम लोग का आम रस बन के रेडी हो चुका है और मैं सबको दे देती हूँ पीने के लिए और सबको बताएंगे कि कैसे बना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आम का रस, तुम लोग को कैसा लगा? अच्छा। तो दोस्तों हम लोग आम का रस पी चुके हैं और बहुत ही अच्छा बना था, एकदम मस्त बना था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।